नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार आपका एमके क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आपके साथ। आज दोस्तों मैं सीरीज का पार्ट थर्ड लेके आया हूं। इसके पहले मैं दो पार्ट आपको बना दिए हैं, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, उसमें था नेक्स्ट पदों को याद करना, ठीक है। लेकिन आज जो हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है गलत पदों को छांटना या गलत पद याद करना, दी गई श्रृंखला में गलत पद याद करना, ठीक है, गलत पद ज्ञात करना, ठीक है। एक आपको सीरीज दी जाएगी, एक श्रृंखला दी जाएगी और इसमें कौन सा पद गलत है यह पता करना होता है, ठीक है। तो आज दोस्तों हम इसी पे बात करते हैं, ठीक है, कि दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आज दोस्तों हम इसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए एक सीरीज में लिखता हूं, सीरीज है दोस्तों 4, 6, 9, 12, 16, 21, 25, 30। अब दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है ये पता करना है आपको, दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है ये पता करना है, ठीक है। और जो पद गलत होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन सा पद गलत है। बहुत आसान सा तरीका है, यहां पे देखेंगे तो 4 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 2 मतलब 4 होगा, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2 प्लस 2, जिसका स्क्वायर है उसी को प्लस करना है, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 2। फिर यहाँ पे देखेंगे आप, ये 3 का स्क्वायर है, देख रहे हैं 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 × 3 मतलब कितना, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 3 का 9 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3, जिसका स्क्वायर हम कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका बेस है उसी को प्लस किया जा रहा है, ठीक है। फिर आगे आप देखेंगे यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 = 16। फिर आगे आप देखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 4 करेंगे आगे, भाई पहले आपने क्या किया 2 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट वाले पद में क्या हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस 2, फिर क्या हुआ 3 का स्क्वायर, फिर अगले वाले पद में क्या हुआ 3 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। फिर आगे क्या होगा 4 का स्क्वायर, नेक्स्ट वाले पद में क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। आगे क्या है आपका 5 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब देख लेते हैं, सबको बना लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 × 2 = 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 का 9, 9 3 12 हो जाएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 4 × 16 = 16 और 4 कितना होगा 20 होगा और यहाँ पे आपका कितना होगा 25 और यहाँ पे कितना होगा 30 होगा। तो दोस्तों देख लीजिए कौन सी सीरीज गलत है, ठीक है, सीरीज में कौन सा पद गलत है, जो पद गलत होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखो सीरीज में 21 लिखा है और यहाँ पे 20 लिखा है, इसका मतलब कौन सा पद गलत है आपका, 21, ये 21 गलत है आपका, ठीक है। तो आपका यही क्या होगा आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके स्थान पर कौन सा पद होना चाहिए था आपका, 20 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे जहां पे 21 लिखा है यहाँ पे क्या होगा 20 होगा, क्योंकि आपकी सीरीज जो चल रही है ये सीरीज है आपकी 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 5। इस तरह से ये जो सीरीज चल रही है इस सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे 21 नहीं होगा, यहाँ इस पद के स्थान पर कौन सा होगा संख्या 20 होगी, ठीक है। तो कौन सा पद गलत है 21, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, मिटाते हैं इसको। अगली श्रृंखला की बात करते हैं, ठीक है। और दोस्तों जहां पे ना समझ में आए बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताएं, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, अपने दोस्तों को चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें जिससे आपके दोस्त मेरे चैनल से जुड़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, 49, 100, 144, 196, 256। दोस्तों देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे 36, 49, 100, 144, 196 और 256। यहाँ पे देखिए ये क्या है 6 का स्क्वायर लिखा गया है, इसमें बताना है कि कौन सा पद गलत है, दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है याद कीजिए, ठीक है। तो ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर और ये 14 का स्क्वायर और ये 16 का स्क्वायर, ठीक है।
देख रहे ना, कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये 6 का स्क्वायर इवेन नंबर, ठीक है इवेन नंबर, ये भी इवेन नंबर, ये भी इवेन नंबर, ये भी इवेन नंबर, और ये आपका क्या है ऑड नंबर। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, बाकी सबके बीच में 2 का अंतर है, 10 और 12 के बीच में 2 का अंतर है, 12 14 के बीच में 2 का अंतर है, 14 और 16 के बीच में 2 का अंतर है, 7 और 10 के बीच में 3 का अंतर है, 6 और 1 के बीच, 6 और 7 के बीच, ठीक है 6 और 7 के बीच 1 का अंतर है। तो दोस्तों यहां पे देख रहे होंगे ये श्रृंखला जो है 2-2 करके चल रही है, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या करें, यहां पे अगर हम 8 लिख दें तो 8 और 10 के बीच में 2 का अंतर बन जाएगा, और 6 और 8 के बीच में भी 2 का अंतर बन जाएगा। 7 के स्थान पर अगर हम 8 का स्क्वायर लिख दें, 7 के स्क्वायर के स्थान पर अगर मैं 8 का स्क्वायर लिख दूं तो श्रृंखला हमारी व्यवस्थित हो जाएगी। श्रृंखला हमारी क्या होगी, व्यवस्थित हो जाएगी। या हम कह सकते हैं कि 49 के स्थान पे यदि हम 64 लिख दें तो श्रृंखला हमारी बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जहां पे 7 का स्क्वायर लिखा है वहीं पे आप क्या करोगे 8 का स्क्वायर कर देंगे तो श्रृंखला हमारी क्या होगी, पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो जाएगी। और कौन सा पद गलत है यहाँ पे आपका 49 गलत है, 49 के स्थान पर कितना होना चाहिए 64 होना चाहिए। इस तरह से दोस्तों हम गलत पदों को छांटते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा दो मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों देखिएगा 64, 125, 218, 343, 512। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सा पद जो है गलत है ये आपको तय करना है। ठीक है, तो देखिएगा बहुत ध्यान से, ये जो 64 है ना, ठीक है, तो 4 का ये क्यूब लिखा गया है, 4 चौक 16 चौक 64, ये 5 का क्यूब लिखा गया है। 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 6 6 36 6 2 16 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, 216 के स्थान पर इन्होंने 218 लिखा है, आगे भी चेक कर लो, 7 का क्यूब कितना होता है 343। ठीक है, और ये 8 का क्यूब है, 8 8 64, और 64 8 512 होता है। ठीक है, इस तरह से देखो यहां पे भाई 6 का कितना होता है, 6 का करोगे 6 × 6 × 6 तो 6 6 36, और 36 का कितना हो जाता है, 36 6 216 होता है। ठीक है, गुणा कर सकते हो, ये 6 6 36, 3 और 6 3 18 21। ठीक है, कितना हो जाता है 216, और इन्होंने 216 के स्थान पर कितना लिखा है, इन्होंने 218 लिखा है, तो कौन सा पद गलत है आपका 218, 218 के स्थान पर, ठीक है, कितना होना चाहिए 216 होना चाहिए, इन्होंने कितना लिखा है 218, तो कौन सा पद गलत है आपका 218 गलत है। इस तरह से हम करते हैं। और सीरीज के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमें क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है, वर्ग याद होने चाहिए, ये सारी बातें, टेबल याद होनी चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें आप बिल्कुल याद करके रखिए, ठीक है ना, क्यूब ना याद किए तो क्यूब याद कर लीजिए, क्यूब तो कम से कम मान के चलिए 25 तक तो आपको याद ही होना चाहिए, वर्ग आपको कम से कम 40 तक याद होना चाहिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी और इस तरह की छोटी छोटी सीरीजें भी आती है तो वो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप बताएंगे। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं सीरीज 7 9 17 42 91 172। आपको बताना है किसमें कौन सा पद गलत है, ठीक है, कौन सा पद गलत है ये आपको तय करना है। ठीक है, क्या करना है, बताना है कि कौन सा पद गलत है 7 9 17 42 91 172। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, बताएंगे आप, देखिएगा बहुत सिंपल सी बात है। अब यहां पे देखो, यहां पे इन्होंने 7 के बाद फिर 9 लिख दिया है, ठीक है, 9 के बाद 17 लिख दिए हैं इन्होंने। ठीक है, अगर मैं जैसे करूं कि भाई 1 का स्क्वायर, ठीक है, जैसे मैं लिखूं 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और मैं 1 7 में जोड़ दूं तो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं 2 का स्क्वायर करूं, 3 का स्क्वायर कर लो, 2 का नहीं 3 का, 3 का मैं स्क्वायर करूं, और 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 9 आएगा, 9 में 8 को जोड़ दूं मैं तो 9 8 कितना हो जाएगा
17 हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं 5 का स्क्वायर करूं, 8 नंबर, ऑड नंबर के आपके क्यूब करने हैं, जैसे कि ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 3, 5, 7, 9, तो इनका स्क्वायर करके पीछे वाले पद में जोड़ना है आपको, और जब जोड़ देंगे तो योगफल अगला पद होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो 7 में मैंने 1 का स्क्वायर जोड़ दिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, वैल्यू कितना आ गई 8। ठीक है, दूसरा पद आपका कितना बन गया 8। अब उसके बाद फिर मैं 9 का 3 का स्क्वायर करता हूं, 9 तो 9, 8, 17, 17 में फिर 5 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 और 17 कितना हो जाएगा भाई 42 हो जाएगा। अब आगे आप क्या करोगे भाई, 7 का स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49 होता है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब 49 आपको क्या करना है, 49 आप 42 में जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो 9, 2, 11, 1 और 4, 4, 8, 1, 9। अब आगे आप क्या करोगे भाई, 7 का हो गया, इस बार कितने का करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। देखो 1, 1, 2 हो गया, 9, 8, 17। तो इस तरह से जो आपका अगला पद प्राप्त हो रहा है वो 8 नंबर के स्क्वायर को जोड़ के प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आपका जो 9 लिखा है तो 9 के स्थान पर कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो कौन सा पद गलत है आपका 9, तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 9। और आप देख भी लिए, सीरीज पूरा कंप्लीट हो रही है, 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 3 का स्क्वायर फिर अगले पद में जोड़ेंगे, पिछले वाले पद में अगला पद प्राप्त होगा, फिर 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर जोड़ देंगे, फिर 9 का स्क्वायर जोड़ देंगे। इस तरह से आपकी सीरीजें क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ठीक ना, इसमें कौन सा पद आपका गलत हो जाएगा, आपका 9, ये जो 9 है ये दूसरा पद आपका गलत है, दूसरे पद के स्थान पर क्या होना चाहिए आपका 8 होना चाहिए। इस तरह से हम सीरीज को सॉल्व करते हैं। ठीक ना, आगे चलते हैं हम दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और वो आप बताएंगे। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं, 3, 1.5, 1.5, 2.5, 4.5, 11.25। ठीक दोस्तों, अब आपको तय करना है कि कौन सा पद इसमें गलत है। ठीक है, इसमें कौन सा पद गलत है ये बताना है आपको। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3, 1.5, 1.5, 2.5, 4.5, 11.25, इसमें से कौन सा पद गलत है। ठीक है, कौन सा पद गलत है वो आपको तय करना है। ठीक है, ज्ञात करना है, ढूंढना है, छांटना है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 3 है। ठीक है, 3 में मैं 0.5 का गुणा करा दूं, 3 में मैं कितने का गुणा करा दूं 0.5 का, या मैं 3 में आधा का गुणा करा दूं। आधा का मतलब होता है 1/2। ठीक है, आधा का मतलब क्या होता है, आधा मतलब होता है 1/2, और 1/2 को दशमलव में अगर हम चेंज करेंगे, दशमलव भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 बन जाता है। ठीक है, तो अब मैं अगर 0.5 से 3 में गुणा कर रहा हूं तो 5 नहीं है 15, और एक अंक पे दशमलव लग गया है, तो अगला पद आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। फिर अब आगे क्या करोगे, यहाँ पे आधे का गुणा किए हैं, अब यहाँ का हम क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1.5 में 1 का गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 ही होगा भाई, किसी संख्या में आप 1 का गुणा कराओगे 100 एकम 100 होगा। ठीक है, 99 में 1 का गुणा कराओ 99 होगा, 88 में 1 का गुणा कराओ 88 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने आधा का गुणा कराया, यहाँ पे 1 का गुणा कराया, इस बार हम लोग किसका गुणा कराएंगे, 1.5 का गुणा कराएंगे। ठीक है, आधा गुणा हुआ, 1 का गुणा हुआ, 1.5 होगा, 1.5 जानते हो ना, 1.5 का गुणा मतलब 1.5, 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, इसको कहते हैं 1.5। ठीक है, यह हम कह सकते हैं कि 1.5। ठीक है, तो 1.5 का गुणा होगा, 1.5 का गुणा कैसे कराओगे भाई, 1.5 ये थोड़ी देर के लिए हम दशमलव को भूल जाते हैं, तो 15 यहाँ है, 15 यहाँ है, 15 में कितना हो जाएगा 225, और एक अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा, एक अंक यहाँ पे दशमलव लगाया, तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 2.25 हो जाएगा। तो सोचो 2.25 यहाँ पे होना चाहिए ना, यहाँ इन्होंने क्या लिखा है 2.5 लिखा है, तो 2.5 के स्थान पे कितना होना चाहिए 2.5 के स्थान पे कितना होगा 2.25 होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.25 होगा। अब देखो यहाँ पे भाई
आधा का गुणा होगा, एक का गुणा होगा, डेढ़ का गुणा होगा, इस बार इसमें कितने का गुणा होगा, दो का गुणा होगा। ठीक है, दो का गुणा दशमलव दो पांच में नहीं कराएंगे, दशमलव पांच में नहीं कराएंगे, दशमलव दो पांच में कराएंगे। तो दशमलव दो पांच में कराओगे तो पच्चीस दूना कितना हो जाएगा, पचास, मतलब की पांच ये है और दो दूना चार, सीरीज कंप्लीट हो गई कि नहीं। अब आप क्या करोगे भाई, आप इसमें कराओगे गुणा, ये आ जाएगा दो दशमलव पांच में नहीं, किसमें, दो दशमलव दो पांच में कराना है गुणा। ठीक है, दो का अब क्या कराओगे आप, ढाई का गुणा कराओगे, मतलब दो दशमलव पांच का गुणा कराओगे। तो दो दशमलव पांच का गुणा हम जब पैंतालीस में कराएंगे या चार दशमलव पांच में कराओगे तो ऐसे ही कर लो, दो अंक दशमलव बाद में लगा दिया जाएगा। पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस, बारह बच्चा। ठीक है, और पच्चीस चौको कितना हो जाएगा, पच्चीस चौको कितना हो जाएगा, सौ, और सौ में बारह जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, एक सौ बारह ये। ठीक है, और कितने अंक दशमलव लगे हैं, दो अंक पे, दो अंक पे दशमलव लगा दो, ग्यारह दशमलव कितना हो गया, दो पांच हो गया। तो सीरीज आपकी कंप्लीट बन रही है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका जो ये पद है दो दशमलव पांच है, दो दशमलव पांच वाला जो पद है ये क्या है आपका, गलत है। इसके स्थान पे कौन सा पद होना चाहिए, दो दशमलव दो पांच होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दो दशमलव दो पांच, लेकिन ये आंसर नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, इसके स्थान पे ये बात होगी। लेकिन अगर पूछा जाएगा कौन सा पद गलत है, तो कौन सा पद गलत है, दो दशमलव पांच ये गलत है। तो विकल्प में आपको ये बात मिलेगी, ये बात नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना सही होगा, दो दशमलव पांच सही होगा। ठीक है, ये वाला पद आपका क्या है, गलत है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक ना, अगला कराते हैं आपको, एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, लिखेंगे तीन सात सत्रह इकतालीस पचासी एक सौ उन्यासी। ठीक है, इसमें आपको बताना है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, देखो यहां पे आपको बताना है कि कौन सा पद गलत है। ठीक है, सीरीज देख लेंगे अच्छे से और थोड़ा से सोचकर बताइए आप कि कौन सा पद गलत है इसमें। ठीक है, चलो देखो मैं बताता हूं। यहां पे देखो, तीन में दो का गुणा कराओ प्लस एक कर दो। ठीक है, तीन दूनी छह सात। अब देखो फिर उसके बाद सात में दो का गुणा कराओ, सात दूनी चौदह और चौदह तीन कितना होगा, सत्रह। ठीक है, सात दूनी चौदह और चौदह तीन सत्रह। अब देखो, अब सत्रह में दो का गुणा कराओ, सत्रह दूना चौंतीस और चौंतीस भाई यहां पर चौंतीस और गुणे भाई देखो गुणा सब में दो दो का हो रहा है और जो हम ऐड कर रहा हूं वो क्या है, ऑड नंबर है, एक तीन पांच आगे सात जोड़ेंगे फिर नौ जोड़ेंगे, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो यहां देखो भाई तीन दुना छह एक सात, सात दुनी चौदह और चौदह तीन सत्रह और सत्रह दुना चौतीस, चौतीस पांच, चौतीस पांच उनतालीस। ठीक है, चौतीस पांच कितना होगा, उनतालीस। लेकिन इन्होंने कितना लिखा है यहाँ पे, इकतालीस लिखा है। आगे हम देख लेते हैं क्या सीरीज चल रही है। तो आप उनतालीस में दो का गुणा कराओगे ना, उनतालीस गुणे दो, नौ दुनी अठारह के आठ मासी ले तीन दुनी छह सात। ठीक है, अठहत्तर हो गया। ठीक है, लेकिन अभी आपको प्लस भी करना है, प्लस कितना करेंगे भाई, यहाँ पे एक प्लस किया फिर तीन फिर पांच, आगे कितना प्लस करोगे, सात प्लस करोगे, आठ सात पंद्रह के पास हासिल एक सात एक आठ, पचासी आया कि नहीं आया, आया ना। अब देखो पचासी का दो में गुणा कराओगे और प्लस कितना करोगे आप, नौ करोगे, तो पचासी गुणे दो करो। ठीक है, पांच दूनी दस एक बचा और आठ दूनी सोलह सत्रह, कितना गया एक सौ सत्तर। और एक सौ सत्तर में अब भाई देखो यहाँ पे एक प्लस किए तीन प्लस किए पांच प्लस किए फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे सात प्लस किया आपने, फिर उसके बाद नौ प्लस करोगे ना, तो नौ किसमें प्लस करोगे, एक सौ सत्तर में, तो आ जाएगा आपका। ठीक ना, तो सीरीज इस तरह से आपकी चल रही है। तो गलत कहां पे है, इकतालीस गलत है, इकतालीस के स्थान पर कितना होना चाहिए, उनतालीस होना चाहिए। दोस्तों इस तरह से दोस्तों गलत पद को हम छांटते हैं। ठीक है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, आप थोड़ा बहुत और भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आज मैं दोस्तों इतना ही रखता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें दोस्तों, अपने जो है दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। ठीक है, और जो बातें न समझ में आए वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, वो मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ।